मुझे तो परेशानी के साथ हंसी भी आ रही थी कि ना चोर को पकड़ूंगा ना चोरी को पकड़ने दूंगा, ना मैं खुद काम करूंगा ना किसी को काम करने दूंगा। देखिए मुख्यमंत्री साहब, ये किसी पर छींटा कसी का वक्त नहीं है। अब मुझे आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको आखिर हो क्या गया है, इतने अपंग क्यों हो चुके हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके दबाव में आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो बिहार को गवारा नहीं है? क्या बालिका गृह कांड है? क्या आपकी बहुत सारी फाइलें हैं? क्या आपके केस है? नीतीश बाबू, मेरा मन नहीं है लेकिन बताइए, 91 में आप पे हत्या का केस हुआ, 2011 में आपने उसको रफा दफा किया, और हम भी चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि राजनीति में केसेस होते हैं, कानून अपनी कार्रवाई करता है। 89 पे पप्पू जी पे केस हुआ, अभी वो तीनों लोग जो इस कांड का सूचक था, जो जिसने बोला कि मेरा किडनैप हुआ और जो गवाह था, उन तीनों का वीडियो चल रहा है कि ये केस फर्जी है। 32 साल पुराना केस आपको इस महामारी के वक्त याद आया क्यों? इसी में सारी बातें छुपी है। रूड़ी साहब, क्या बोलूं? मुझे तो एक शब्द नाम लेने का मन नहीं कर रहा, और मैं उनसे ये सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनसे पूछती हूँ कि आपका राजनीतिक इतिहास क्या है, आप राजनीति में कैसे आए, क्या संघर्ष किया? मैं पूरी बात रूड़ी जी नहीं बताऊंगी, आप पायलट थे, आप कैसे क्या किए, किनको नौकरियां दिलाईया, किसके आशीर्वाद से आप राजनीति में आए, कैसे मंत्री बने, और आपके घर में उत्तराखंड में फार्म हाउस से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली से लेकर कहां कहां पे जितने भी स्टाफ हैं, रूड़ी साहब आप ही बता दीजिए, सैलरी कहां से उठाते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपको इंचार्ज बनाया गया, वहां पे कितना घोटाला हुआ वो आप ही बताएंगे। वहां कितने स्टाफ हैं और कितने काम कर रहे हैं और कितने आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आप ही बताएंगे। आप स्किल इंडिया के मिनिस्टर थे, मोदी साहब ने आपको क्यों हटाया वो भी आप ही बताएंगे। एम्बुलेंस के ड्राइवर को स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग देनी थी, क्यों नहीं दी वो भी आप ही बताएंगे। मेरा तो सवाल इतना है, जिनके घर पत्थर शीशे के हो, और वैसे लोगों को पत्थर मत मारिए जो सड़क पे पहले से खड़ा है। इतना आसान नहीं होता है, ये कोई ड्रामा या नाटक नहीं चल रहा है कि हम पिक्चर खिंचाने के लिए लाशों के ढेर पे जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए शमशान घाट में जा रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमने का काम कर रहा है। ये मजाक नहीं है रूड़ी साहब, मुख्यमंत्री साहब, और ये भाजपाइयों, कमरे में बैठ के लॉबी लॉबी खेलने में बहुत मजा आता है, मॉडलिंग करते हुए सेटिंग करने में बहुत मजा आता है, और रूड़ी साहब की राजनीति हैसियत राजनीतिक व्यक्ति से ज्यादा सेटिंग और लॉबी लॉबी करने वाली है। आज उसी के बल पे जिस तरह आपने पप्पू जी को जेल भेजने का काम किया है, भाई वो तो सड़क पे खड़े थे अपनी मौत का कफन बांध के, परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, तमाम लोग को छोड़ के पहले ही अपनी जान देने के लिए खड़े थे, आपने उनको जेल भेज दिया, डरा दिया आपने, कितना डराएंगे, आपने तो मुझे भी जगा दिया, मैं एक सेकंड भी बाहर मास्क के बगैर नहीं रहती हूँ,
लेकिन आज हूँ, आपने किया। अब जब तक पप्पू जी जेल में है, खेल तो होगा और अस्पतालों का निरीक्षण भी होगा। जो बेड आप लोग बेच रहे हैं प्राइवेट और सरकारी, और जिन माफियाओं से मिलकर ड्रग्स की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ये खुंदक सिर्फ पप्पू जी के राजनीतिक कद से नहीं है, ये खुंदक आपकी और ड्रग्स कंपनियों की। अरे बोल लो भाई, तुम्हें लोग पीछे जो एक साथ मिली भगत से, जो आप पैसा कमाने में आज बिहार में रोक लग रही थी, हर अस्पताल में लगातार लोग रोक लगा रहे थे, हर अस्पताल में एक तरफ 95,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था, तो कोई व्यक्ति आपको फ्री में पहुंचा रहा था, आपकी दुकान बंद हो रही थी। आपने छेड़ा है, अब तो हम लोग भी चप्पा चप्पा छानेंगे। कितनी मिली भगत है, ये तो सबके सामने है, सरेआम है कि जहां पर शमशान घाट में 200 लाशें जल रही है, वहां आप 10 दिखाते हैं। सिर्फ बिहार में नहीं, हर जगह पे, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, जहां जाइए वहीं ये हाल है। देखिए, सत्ताधारियों को उतना ही डराना चाहिए जितने में लोग डरे, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना भूल जाए। और जो सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति को आप जब डराने की कोशिश करते हैं, मौत का कफन बांध के खड़ा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति को जब आप डराने की कोशिश करते हैं, तो डर खुद डर जाता है। ये सत्ताधारियों को समझना चाहिए। और इस महामारी में भी सबसे बड़ी अगर कोई महामारी है, वो है लालची सत्ताधारी, जो इस बड़ी महामारी से भी बड़ी महामारी है। वैसे लोग जो आज सत्ता में विराजमान है, जो जनता को मरते देखकर कीड़े मकौड़े समझते हैं और खुद को उनको मारने वाली दवाई समझते हैं, मुख्यमंत्री साहब, आप और आपका गैंग और ये भाजपाई आज जनता को महामारी में कीड़े मकौड़ों की तरह मारने वाली आप लोग दवाई बने हैं। महामारी से अगर 10 लोग मर रहे हैं, पर आपके कारण 500 लोग का आंकड़ा जो हो रहा है, वो आप लोग के कारण हो रहा है, वो आपकी दी हुई असुविधा के कारण हो रहा है, वो आपकी अव्यवस्था के कारण हो रहा है। पप्पू जी का क्या दोष था? आपके तमाम सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण, जिसमें आप रूम में बैठ के मास्क लगाकर जूम से बता रहे हैं कि 25,000 रेमडेसिविर है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर है, इतनी दवाइयां हैं, इतने बेड हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, क्या आपने ये बताया कि कितने वेंटिलेटर काम कर रहे हैं? अरे मेरी ही कंस्टिट्यूएंसी में 6 वेंटिलेटर हैं, पर मैं राजनीति नहीं कर रही थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, जो कह रहे थे कि मधेपुरा और सुपौल की खबर लीजिए, आपको डाटा दूं क्या? वहां पे कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहां कहां क्वारंटीन सेंटर है, और कितने आपके वेंटिलेटर चल रहे हैं, और कौन लोग वहां पे जा रहे हैं? अरे आपके पास तो डॉक्टर और नर्स भी नहीं है जो ये बता सके कि ऑक्सीजन देना कैसे है। आपने 120 रेमडेसिविर दिए हैं, आपने 250 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं। हमने पूछा सिविल सर्जन को, भाई साहब 500 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा तो क्या करेंगे? तो मैडम दरभंगा में बैकअप है, तो हमने कहा व्यक्ति मरेगा तब तक आप लेकर आएंगे? आप मुंह मत खुलवाइए। और हम लोग सिर्फ मुंह इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि लोग पैनिक नहीं हो, लोग नहीं डर, लोग भयावह नहीं हो, क्योंकि जिसका 95 भी ऑक्सीजन होता है, अगर उसको ये मालूम चल जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल वहीं से 90 और 88 चला जाता है। इस दर्द के कारण आपकी बातों को नहीं बोल रहे, इस दर्द के कारण आपसे हम लोग बात नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह की स्थिति आपने पैदा की है, तो नीतीश बाबू आपको भी जवाब देना पड़ेगा
रूड़ी जी आपको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये कौन सा मंत्रालय है जो फेलियर के नाम से, कौन से लोग हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आपने कभी अपना ओएसडी बनाया, फिर उनको मंत्री बनाया और आज वो सबकी मिलीभगत से उनकी दुकान नहीं बंद हो जिसके लिए आप मुंह बंद कराना चाहते हैं। अरे कितनों का मुंह बंद कराएंगे, और शर्म आनी चाहिए और थोड़ा डरिए। आप पप्पू जी को जेल में बंद कर देंगे तो क्या लोगों को मरने देंगे? आपकी ये मंशा है कि लोग मरे और हम तमाशा देखें, गोल्फ के मैदान में गोल्फ खेलते हुए कि भाई स्थिति बहुत पैनिक है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आई एम वेरी सेफ कहने में बहुत मजा आता है। मोदी साहब आप भी आइए, जो सेंडल में चुप्पी से आपके बैठे हैं, ये आपके ही क्रिया कलापों का प्रेरणा है जो आज आपके लोग कर रहे हैं। पहले जब सेकेंड लहर आई, दूसरी लहर आई, तो आप सत्ता के जुनून में, जीतने के जुनून में इतने पागल थे कि हमारे देश में ये जो महामारी की आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा से ज्यादा WHO और पूरे वर्ल्ड के कंट्री का ये कहना है कि 90% हमारे देश की जो आपदा है वो मैन मेड है। आपके प्रधानमंत्री, आपके सत्ताधारियों ने इसको जबरदस्ती फैलाने का काम किया है, लोगों को मारने का काम किया है, और आपको शर्म नहीं आ रही कि उस बीच में अगर कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी मदद करना चाहते हैं तो आप जेल जेल खेल रहे हैं, आप राजनीति राजनीति खेल रहे हैं, आप लॉबी लॉबी खेल रहे हैं। देखिए मुझे लॉबी लॉबी खेलने का कोई शौक नहीं है, ना इस वक्त राजनीति राजनीति खेलने का शौक है, और ना ही जो खेलेगा उसको खेलते देते रहने का, देखने का शौक है। देखिए जो चौराहे पे है वो तो रहेगा, जो डर रहा है वो इस बात को समझे कि जल्द से जल्द अगर पप्पू जी की रिहाई नहीं हुई और ये ड्रामा चलता रहा तो बहुत जल्द आपको भी मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, आपके मंत्रियों को मुख्यमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा और चौराहे में खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये दिल्ली में बैठ के जूम से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप फर्जी केस में पप्पू जी को जेल में डाल के ये जो प्रशासन और डॉक्टर का खेला खेल रहे हैं, 3 दिन से उनको पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से वीरपुर, और अभी प्रशासन और डॉक्टर के सूत्रों से हम बता रहे हैं कि उनको दरभंगा आप भेज रहे हैं, और उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमने लिखा है कि हायर मेडिसिन, हायर डॉक्टर फैसिलिटी की रिक्वायर। अब प्रशासन जाने की उनको कहाँ भेजना है, प्रशासन कह रहा है कि डॉक्टर जाने की उनको कहाँ भेजना है। अरे आपका तो एक भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप पप्पू जी का सीवियर इन्फेक्शन है, सुन लीजिए, शुगर के पेशेंट हैं और 1.25 महीने पहले उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, उनके लीवर में 30% प्रॉब्लम है, और अभी मैं आते वक्त भी जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनसे बात करके आई हूँ कि हैवी रिस्क है कि उनको दोबारा इस हालात में इन्फेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत नया ऑपरेशन है, उसके साथ ही उनको सीवियर इन्फेक्शन थे जिसकी सारी रिपोर्ट आपको दी गई है। मैं फिर आपको आगाह करूंगी कि ये खेला बंद कर दीजिए, ये राजनीति राजनीति बंद कर दीजिए, उनको रिहा कीजिए, और आपके जेल के अंदर वो पॉजिटिव होके आएंगे तो ना मैं माफ करूंगी ना आपको जनता माफ करेगी, और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। अगर चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पप्पू जी रिहा नहीं होते हैं और आप ये डॉक्टर और प्रशासन का खेल खेलते हुए उनको हर दिन गाड़ी में 4-4 लोगों के साथ बैठा बैठा के जो घुमाने का आप काम कर रहे हैं, तो आप भाजपाई लोग भी सुन ले, मुख्यमंत्री साहब भी सुन ले। रूड़ी साहब आपकी जो एम्बुलेंस घर में थी वो सरकारी खजाना था, और एक तरफ लोग 12,000 रुपए पर किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए दे रहे थे और तब भी नहीं मिल रही थी। मैं अनशन में बैठूंगी जब तक आपको जेल के अंदर नहीं कर दिया जाएगा। ये खेला खेलना बंद कर दीजिए।
ये गंदी राजनीति महामारी के वक्त बंद कर दीजिए। आज मैं फिर कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री साहब फोन कीजिए, अगर आपको लगता है कि कोई मदद करने में राजनीति कर रहा है मुझे फोन कीजिए, पप्पू जी को फोन कीजिए और बताइए कि पप्पू जी मदद कीजिए, महामारी है, हम सब मिलके काम करेंगे। लेकिन ऐसे मत कीजिए जहां आपको लग रहा है राजनीति हो रही है, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। फिर आपको आगाह कर रही हूँ, इस महामारी में राजनीति मत कीजिए, किसी की जान मत लीजिए। अगर हमारी फैमिली को आप खतरे में डालेंगे, अगर आप बिहार की जनता को खतरे में डालेंगे, अगर हमारे बच्चों को आप खतरे में डालेंगे, तो आपका परिवार भी मुख्यमंत्री आवास में नहीं बैठ पाएगा। आपका बेटे की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, भूल हो गई, आपका पूरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। भाजपाइयों का परिवार है, जो मॉडलिंग करते हैं उनका परिवार है, और मुझे सबके परिवार के लिए दया है और सबके परिवार की फिक्र है, इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे थे। इसीलिए आज मेरा बेटा यहाँ नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना रिस्क लिया, उसका नहीं लिया कि बेटा रुक जाओ, पैंडेमिक चल रहा है और ये बहुत गुंडई राज वाले लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है। जब जनता को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं तो हम लोग की क्या औकात है। लेकिन औकात उसी की होती है जो गोल्फ लिंक में बैठकर गोल्फ खेल रहा होता है, और पेस्ट्री होता है जो सड़क पे होता है, उसको औकात दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं इतना ही कह के मुख्यमंत्री साहब अब ये राजनीति बंद कर दीजिए। उनको इस फर्जी केस से वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो सब दिख चुका है कि वो फर्जी केस है, उनको रिहा कीजिए और हम लोग सब मिलकर इस महामारी से लड़िए। क्योंकि एक तरफ आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी लहर की बात इस देश में हो रही है, उसकी चिंता कीजिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की चिंता मत कीजिए। अगर आपको डर लग रहा है उनके कद से, तो चुनाव अभी बहुत दूर है, तब तक जनता भूल जाती है, ये आपको हम लोगों से ज्यादा मालूम है। इसलिए महामारी की फिक्र कीजिए, राजनीति की फिक्र मत कीजिए।